एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है, इसमें पी प्लस टू पावर सिक्स है, तो हमारे पास उसका ना डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे वाई और दोनों तरफ पावर वन ओवर सिक्स ले लेंगे। इधर पावर वन ओवर सिक्स ले तो ये बन जाएगा, यहाँ पे पावर वन ओवर सिक्स लेंगे तो ये कैंसिल होकर खाली पी प्लस टू रह जाएगा। 2 को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ गई, जो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। और P प्लस टू पावर 6 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, Y। अब बाकी रह गया dP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो P है इसका हमने डेरिवेटिव ले लेंगे। इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई हमने डिफरेंशिएट किया तो ये पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस किया, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये माइनस फाइव बाई सिक्स आ जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, इस डी वाई को उठाकर इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से डी पी की वैल्यू आ जाएगी 1/6 वाई पावर माइनस फाइव बाई सिक्स इंटू डी वाई। ये पी पी प्लस टू पावर सिक्स और जो dp है, इन तीनों वैल्यूज़ को हम गिवन जो फंक्शन है उसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये पूरा का पूरा इंटेग्रल वन जो है ये चेंज हो जाएगा। फाइनली हमारे पास ये इंटेग्रल आ जाएगा, ये p की वैल्यू आ गई, ये p प्लस टू पावर सिक्स की वैल्यू आ गई और ये dp की वैल्यू। अब हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे y आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इनको पहले पावर्स को कम्बाइन करना है। ये जो 1/6 कोफिशेंट है इसको तो हम उठा के बाहर शिफ्ट कर देंगे, ये पी वाई पावर 1/6 माइनस टू एज इट इज़ आ गई है। ये वाला y और जो ये y पावर माइनस फाइव बाई सिक्स है इसको हमने कंबाइन किए तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिए। इसके बाद जब इसका एलसीएम लेंगे ये 1/6 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम दोनों वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड होकर 2/6 आ जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलग-अलग दो इंटेग्रल बनाएंगे। और एक बात का आप ख्याल करना है कि ये जो 1/6 है ये बेसिकली सारी वैल्यू के साथ था, जब इस 1/6 को दो इंटेग्रल अलग बनाएंगे तो दोनों के साथ लिखेंगे, इसके साथ भी 1/6 आ गया और ये 2 था तो देखें 2/6 आ गया, और जो 2 कोफिशिएंट था उसको हमने इस इंटेग्रल से बाहर शिफ्ट कर दिया है। अब ये दोनों वैल्यूज आसानी से पावर रूल से इंटीग्रेट हो सकती हैं। ये जब हमने पावर रूल अप्लाई किया 1/6 एज इट इज़, और जो y पावर 1/3 था तो 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1, यहाँ पे जो 2/6 था कैंसिल होकर 1/3 आ गया और पावर थी यहाँ पे 1/6, तो 1/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/6 प्लस 1, सिंपली आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा, ये करेंगे तो 7/6 डिवाइडेड बाई 7/6 आ जाएगा। अब हमने हमारा जो क्वेश्चन था शुरू में वेरिएबल हमारे पास p था तो यहाँ पे y आ गया, तो हमने दोबारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है, वाई की जगह पे हम दोबारा फिर वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ गए उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ये 1/6 एज इट इज़, इसको जब ऊपर शिफ्ट किया है तो ये रिवर्स हो जाएगी, 3/4 आ गया, रेसिप्रोकल हो गया उसका। वाई की जगह पे उसकी वैल्यू पी प्लस टू पावर सिक्स और ये जो 4/3 था वो लगा दिया, -1/3 और ये आपके पास आ गया 7/6। y की जगह पे आपने p प्लस टू पावर सिक्स और उसकी जो 7/6 पावर था वो एज इट, ये जो 7/6 है उसको जब हमने ऊपर शिफ्ट किया तो 6/7 हो गया, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थी। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन किया है, जब यहाँ पे मैं इसको कैंसिल करूँगा तो नीचे ये 2 आ जाएगा और वो 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आ जाएगा। यही काम यहाँ पे हुआ है, जब इसको जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल होकर 3 आ जाएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई होकर पावर 8 हो गई। और यहाँ पे जब आप करेंगे ये 3 को जब इधर कैंसिल तो 2/7 आ जाएगा, और यहाँ से 7 कैंसिल होके आपके पास ये आसानी से पी प्लस टू पावर 7 आ जाएगा, साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ पे ये सवाल कंप्लीट होता है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।